अगर इसको मान दिया तो है एनआईवी पे ऑटो वाला सर ये वाला नहीं नहीं ये तो सेट है सर ऑटो वाला नीचे वाला डाल ना तो प्रेस कर इसको इसको दोनों है लेकिन वो ऑटो कुछ मैनुअल जितनी बार दबाएंगे उतनी बार आएगा वो ऑटो है उसमें टाइमिंग सेटिंग होगी उतनी बार वो अपने आप जितना टाइम फिनिश दोबारा रीड करेगा उस दिन कौन ने कहा दाड़ का गगन ये ब्रोंकोस्कोपी होने के बाद में इसकी सफाई करते हैं। ये ब्रश डालना बहुत जरूरी है, नहीं तो ये बंद हो जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा क्लॉट से, ब्लड के क्लॉट से। ये ब्रश ऐसी होती है कि ये साफ करती हुई चले जाती है पूरा ब्रोंकोस्कोपी को। अभी ना अब देखो आगे से ये क्या दिख रहा है, ब्रश आ गई ना जी सर। ये पूरा साफ करती हुई चली जाती है और हम इसको बाद में इस तरीके से खींच लेते हैं। होमवर्क में ब्रोंकोस्कोप, ठीक है, डायग्राम ऑफ ब्रोंकोस्कोप, डायग्राम ऑफ लाइट सोर्स, ये कहाँ डलता है, इसको कहाँ डालेंगे, इसको सांस की नली में फेफड़े तक ले जाएंगे, इसको ले जाएंगे। देखो ये आपका फोटो भी आ रहा है, छोटा सा पाइप। जब बच्चे छोटे बच्चे बोरवेल में गांव में गिर जाते हैं तो वो इसी लाइट से ही देखे जाते हैं, इसी लीड से बोरवेल में गिर जाते हैं ना बच्चे गांव में, तो वो खाना खा रहा है कि नहीं खा रहा है और वो क्या कर रहा है, वो यही लीड काम करती है वहां ये। और ये स्क्रीन बाहर रख देते हैं, वो ये बाहर स्क्रीन रख करके उसमें बच्चे की जो फंक्शन है वो देखते रहते हैं कि अंदर वो खाना खा रहा है, उसको खाना भी देते हैं, पानी भी देते हैं, या वो सांस ले रहा है कि नहीं ले रहा है, या उसके मिट्टी में दबा हुआ है कि नहीं है। तो जो ये जो आर्मी होती है वो यही लीड डालती है, क्योंकि यही लीड हो सकती है, बड़ी लीड डालेंगे, बड़ा वाला पाइप डालेंगे तो स्पेस कम हो जाएगा उसको निकालने के लिए। तो ये आगे से चिप पड़ी रहती है, वो बच्चा कैसे आ रहा है, यहाँ साइड से हमें गड्ढा करना है, जैसे एक बच्चा कुएं में गिर गया उसके बगल से भी एक होल करते हैं, वो अंदर से जान जाता है, उसके बाद से उसको निकाल के लेते हैं। तो ये चीज है, ये ब्रोंकोस्कोप भी समझ रहे हो ना, ये कहाँ डालेंगे, ब्रोंकोस ब्रोंका और सांस की नली को वहाँ डाल करके। ये किस लिए करते हैं ब्रोंकोस्कोपी, ब्रोंकोस्कोपी दोबारा से कट करके बनाओ, पेशेंट को डायग्नोस करने के लिए की जाती है। डायग्नोस का मतलब ये होता है पेशेंट को ट्यूबरक्लोसिस है, पेशेंट के लंग्स में कैल्शियम जमा हुआ है, लंग्स में कोई सिस्ट बनी हुई है, लंग्स के अंदर कोई भी फुंसी फोड़ा किसी तरीके का है, तो उसके ब्रोंकोस्कोपी के माध्यम से ये जो इसके अंदर
जगह होती है, यहाँ पे माध्यम से हम एक फोर्सेप्स होती है, पंच वायर की फोर्सेप्स या टिश्यू फोर्सेप्स, इसके माध्यम से हम अंदर तक पहुँचा देते हैं। बेटा लेके आना वो, और मैं सक्शन भी कर सकता हूँ यहाँ से। अरे हाथ में नहीं आ रहा, एक सक्शन दो, सक्शन पैप देना बेटा, सचिन सक्शन पैप दे। देख यहाँ से पानी खींचेगा, ये मैं दबाऊंगा, ये सक करेगा पानी यहाँ, तो पानी यहाँ से सक करेगा। देखो इसमें कितने छेद हैं, देखो कैमरा भी है तो इसमें छेद भी है, बायोप्सी का मतलब छोटे से पार्ट में कितने चीज है, ताज्जुब करने वाली बात है। ये लीक है, एक वीडियो बना लो अपने ग्रुप में डाल लेना, एक काम की चीज है, लोग और समझ में आ जाएगा, जो नहीं आए ना उनकी समझ में भी आ जाएगा। ठीक है, ये सक्शन है, ये सक कर रहा है और इसी के माध्यम से पंचवाशी फोर्सेप्स इसी माध्यम से डाल सकते हैं, और लंग्स के अंदर कोई भी पीस है वो जांच के लिए ले सकते हैं। पानी खींच रहा है, इसी माध्यम से हम छोटे छोटे इंस्ट्रूमेंट डालते हैं, पतले पतले इसके अंदर जाते हैं, और वो पतले पतले जो इंस्ट्रूमेंट हैं वो बाहर जाके खुल जाते हैं और वो अंदर से पीस निकाल लेते हैं, जब पीस निकाल करके वापस हम खींच लेते हैं और उसको हम बायोप्सी के लिए डिब्बे में हम उसको जांच के लिए भेज देते हैं। एक बच्चे डालने से पहले इसके जेली लगाई जाती है, 2% जैलोकेन जेली, और 2% जैलोकेन जेली लगा करके इसको ब्रोंकाइटिस में डालते हैं, और जैलोकेन से उसको सेंसिटिव, उसको सेडेट भी करते हैं, इसलिए उसको ज़्यादा पेन ना हो, पेशेंट को प्रॉब्लम ना, वॉमिटिंग ना आए या उसको दर्द, और पेशेंट को बोला जाता है जैसे डालते समय कि आप इसे निगलिए, आप इसे निगलिए, आप निगलिए, तो ऐसे खाना हम निगलते हैं, इसी तरीके से पेशेंट को ये समझा जाता है डालते समय कि आप इसे निगलते जाइए, आप निगलते जाइए, या तो वो ऐसा करता है तो वो अंदर चली जाएगी, नहीं तो बीच में ये रुक जाती है, दोबारा से निकालने के बाद में फिर दोबारा भी डालनी पड़ती है। इसका काम क्या है मेन, इसको डालने के लिए पंचवाशी फोर्सेप्स के माध्यम से यदि लंग्स में कोई सिस्ट है, लंग्स में कोई कार्सिनोमा है या कोई पीस निकालना है बायोप्सी के लिए, जांच के लिए, स्टोपैप के लिए, तो हम उसको बायोप्सी के लिए निकाल लेते हैं, लैब में भिजवा देते हैं, वो रिपोर्ट क्या आती है वो डॉक्टर डायग्नोस करता है, वो डायग्नोस के हिसाब से उसका ट्रीटमेंट होता है। अब पेशेंट को एक साल से टीबी हो रहा है, पेशेंट ठीक नहीं हो रहा है, खांसी ख़त्म नहीं हो रही है, पेशेंट के लंग्स में कैल्शियम जमा हो गया, तो कैल्शियम को भी निकालने के लिए पंचवाशी फोर्सेप्स का यूज़ करेंगे, वो निकाल करके एक फॉर्मलिन वाली जो छोटी वाली बायल होती है वो उसे भिजवाएंगे, और भिजवाने के बाद में उसकी जो जाँच आएगी उसके बाद वो ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाएगा।